Manoj Bajpayee, Bollywood's ageless and timeless talent, had a chat with Smita Prakash from ANI in an exclusive podcast. In the conversation, he dismissed the outdated debate about nepotism, quipping, "Nepotism is completely irrelevant. We're not a family business, we are a private sector business." Take a look. नेपोटिज्म की बात जब चलती है दैट यू नो डोंट दैट देयर इज़ अ ग्रुप कि हम उन्हीं को रोल्स देंगे और फलां की पिक्चर उस दिन नहीं निकलेगी क्योंकि मेरे भतीजे की पिक्चर उस दिन निकल रही है. ये प्रैक्टिस चलता था. बोलने को तैयार नहीं है लोग, बट इट वाज एन अनसेड थिंग. ये चलता था. नहीं देखिए, जो बोलने को क्यों नहीं तैयार है भाई. देखिए, नेपोटिज्म ये बड़ी बेकार की बहस है. मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही बेकार की बहस है, क्योंकि ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज है. फिल्म इंडस्ट्री वेदर यू हियर और एनीवेयर एल्स, एक प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो पैसा लगाते हैं. और इसलिए जब फ्रेटर्निटी आप बोलते हो उससे मुझे दिक्कत है. फ्रेटर्निटी नहीं है, हम सब स्कैटर्ड अलग अलग जगह काम करते हैं. हम कोई फ्रेटर्निटी नहीं है, सब अलग अलग जगह काम करते हैं. कुछ लोगों से किसी का दिल मिल जाता है तो हम लोग साथ में उठते बैठते हैं, और जिसके साथ में काम नहीं करते हैं या जिसके साथ दिल नहीं लगा उसके साथ उठते बैठते नहीं. लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज़ है. अगर वो मेरी जगह पे वो किसी अपने ताया जी के लड़के को लेना चाह रहा है तो मरे. मैं उसका पैसा है. मैं क्या भाई, अगर वो करना चाहता है तो करे भाई. मुझे पैसा उसका है, वो लगा रहा है. दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब एग्जिबिशन में जब एग्जिबिटर भेदभाव करते हैं तब दिक्कत वहाँ पे आती है. अगर किसी को 100 स्क्रीन दे रहे हो तो कम से कम मुझे 25 स्क्रीन तो दो, और मेरे 25 स्क्रीन को अगले हफ्ते उसको भी उसी को दे दोगे तो मेरी फिल्म का क्या होगा. हाँ. तो जो जितना पावरफुल होता है वो अपने पावर को विल्ड करता है. हाँ. वो खेल तो हर जगह होता है. तो हमें फेयर होने का फेयरनेस की डिमांड सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं कर सकते हैं. लाइफ इज़ नॉट फेयर है ना. खैर वो क्यों नहीं है, उस पर वो एक आइडियल है जिसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. इफ़ लाइफ इज़ नॉट फेयर ट्राई टू अचीव दैट आइडियल. नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे कुछ और लिखते हैं और अपने काम की जगह पे जो है बिल्कुल ही फेयर नहीं है. हाँ. तो वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है. एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है. लेकिन व्हाट आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू कन्वे टू पीपल दैट इफ़ यू आर आस्किंग फॉर फेयरनेस, आस्क फॉर फेयरनेस इन एवरी sphere of life.